दोस्तों, आज हम एक काफ़ी फेमस फाइनेंशियल प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। मैं इसे काफ़ी फेमस इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये प्रोडक्ट 52 साल पुराना है। मैं बात कर रहा हूँ पब्लिक प्रोविडेंट फंड की, जिसे PPF के नाम से जाना जाता है। PPF इतना फेमस है कि टैक्स पेयर्स की पीढ़ियाँ इससे लाभ उठाती आई हैं। PPF के फीचर्स सिंपल लेकिन पावरफुल हैं। बट बिफोर दैट, अ क्विक रिमाइंडर, अगर आप इस तरह के और भी वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएँ। आइए शुरू करते हैं। PPF को 1968 में लॉन्च किया गया था और इसका एम अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और ऐसे लोग जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड यानी EPFO या जो सरकारी पेंशन स्कीम के दायरे में नहीं आते, उन्हें रिटायरमेंट के लिए बचत का ऑप्शन उपलब्ध कराना था। इसका फायदा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, इसलिए PPF को पोस्ट ऑफिस के जरिए भी उपलब्ध कराया गया। PPF एक लंबी अवधि का इन्वेस्टमेंट कम सेविंग प्रोडक्ट है। PPF में बचत की शुरुआत करने के लिए आपको पोस्ट ऑफिस या सरकारी या प्राइवेट बैंकों की चुनी हुई ब्रांचेज में PPF अकाउंट खुलवाना होगा। PPF अकाउंट में जमा की गई रकम पर गारंटीड रिटर्न मिलता है। साथ ही इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 80C के तहत एक फाइनेंशियल ईयर में जमा की गई 1.5 लाख रुपए तक की राशि पर इनकम टैक्स में कटौती का फायदा मिलता है। जोखिम न उठाने वाले कई टैक्स पेयर्स जो कि गारंटीड रिटर्न की इच्छा रखते हैं, वो PPF में बचत करना इसीलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि इसमें वो सेक्शन 80C के तहत टैक्स डिडक्शन क्लेम करके टैक्स भी बचा सकते हैं। आइए अब जानते हैं PPF अकाउंट के बारे में और कैसे टैक्स पेयर्स इस फाइनेंशियल प्रोडक्ट का फायदा उठा सकते हैं। 1. अकाउंट ओपनिंग। PPF अकाउंट या खाता आप पोस्ट ऑफिस या किसी भी ऑथराइज बैंक में खुलवा सकते हैं। सिर्फ भारतीय निवासी ही PPF अकाउंट खुलवा सकते हैं। ज्वाइंट या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली PPF खाता नहीं खुलवा सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक व्यक्ति सिर्फ एक ही PPF अकाउंट खुलवा सकता है। अकाउंट खुलवाने के लिए अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भरने के साथ ही पासपोर्ट साइज फोटो, आइडेंटिटी प्रूफ जैसे पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड एक्सेट्रा, एड्रेस प्रूफ जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल, पासपोर्ट, आधार कार्ड एक्सेट्रा की कॉपी देनी होती है। 2. लॉक इन पीरियड। PPF अकाउंट 15 साल के लिए खुलवाया जाता है। इसका मतलब है कि आपकी जमा राशि 15 साल के लिए लॉक हो जाती है। लेकिन बुरे वक्त को ध्यान में रखते हुए PPF अकाउंट होल्डर स्पेशल कंडीशंस में लॉक इन पीरियड कंप्लीट होने से पहले भी अपना अकाउंट बंद करवा सकता है। इन स्पेशल कंडीशंस में अकाउंट होल्डर या उसके पति पत्नी या बच्चे या माता पिता का इलाज भी शामिल है। इसके लिए सभी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स और इलाज कर रहे डॉक्टर या हॉस्पिटल से मेडिकल रिपोर्ट्स देने होंगे जो बीमारी को कंफर्म करते हैं। अकाउंट होल्डर या उस पर निर्भर बच्चे की हायर एजुकेशन की फीस पे करने के लिए भी PPF अकाउंट को लॉक इन पीरियड कंप्लीट होने से पहले बंद किया जा सकता है। इसके लिए देश या विदेश में स्थित मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से एडमिशन का सबूत देने वाले डॉक्यूमेंट्स के साथ फीस का बिल देना होगा। अगर कोई PPF अकाउंट होल्डर विदेश में बस जाता है तो वो पासपोर्ट और वीजा या इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी पेश कर अपना खाता बंद करवा सकता है। PPF खाते की राशि के बदले लोन भी लिया जा सकता है। ऐसे लोन का इंटरेस्ट रेट PPF की करंट इंटरेस्ट रेट से 1% एक्स्ट्रा होता है। 3. मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट। आप सिर्फ 500 रुपए से PPF अकाउंट खुलवा सकते हैं। 15 साल की अवधि के दौरान हर साल अकाउंट में कम से कम 500 रुपए जमा करना होता है। एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान PPF अकाउंट में आप मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए जमा करवा सकते हैं। ये अमाउंट आप कैश, चेक या ऑनलाइन मोड के जरिए भी जमा कर सकते हैं। अकाउंट को चालू रखने के लिए हर साल 500 रुपए जमा करना जरूरी है। अगर आप किसी साल पैसे जमा नहीं करवा पाते हैं तो हर साल के लिए 50 रुपए के हिसाब से पेनल्टी देनी होगी। साथ ही कम से कम 500 रुपए हर साल के हिसाब से जमा करवाना होगा। इसके अलावा जिस साल आप अपना खाता दोबारा चालू करवा रहे हैं उस साल की सब्सक्रिप्शन के तौर पर मिनिमम 500 रुपए जमा करवाने होंगे। 4. टैक्स बेनिफिट। PPF में जमा कराई गई रकम पर टैक्स पेयर्स इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के अंडर 1.5 लाख रुपए तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। साथ ही PPF पर मिलने वाला इंटरेस्ट भी टैक्स फ्री होता है। इसका मतलब हुआ कि जो पैसे आप जमा करते हैं उस पर सेक्शन 80C के तहत डिडक्शन का क्लेम कर सकते हैं। हर वर्ष कलेक्ट हुआ इंटरेस्ट भी टैक्स फ्री होता है और जब आपका अकाउंट मैच्योर हो जाता है तो उस समय मिलने वाला अमाउंट भी टैक्स फ्री होता है। इस टैक्स बेनिफिट को EEE कहा जाता है, मतलब बचत पर टैक्स नहीं, रिटर्न पर टैक्स नहीं और मैच्योरिटी के समय मिली रकम भी टैक्स फ्री होती है। 5. इंटरेस्ट रेट। PPF का करंट इंटरेस्ट रेट 7.9% है।
इंटरेस्ट अमाउंट फाइनेंशियल ईयर के एंड में अकाउंट में जमा होता है। सरकार हर 3 महीने में इसके इंटरेस्ट रेट को रिव्यू करती है और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पर मिलने वाला इंटरेस्ट गारंटीड होता है। क्योंकि पीपीएफ का इंटरेस्ट रेट सरकार तय करती है, इसलिए ये सभी बैंकों और पोस्ट ऑफिस के लिए एक होता है। पीपीएफ अकाउंट की एक खासियत यहां बताना जरूरी है। पीपीएफ अकाउंट होल्डर से अगर किसी तरह की लोन वसूली की जानी है तो कोर्ट ऑर्डर के तहत पीपीएफ खाते की राशि जब्त नहीं की जा सकती। इस प्रकार पीपीएफ एक यूनिक और सेफ निवेश प्रोडक्ट है। लेकिन क्या आपको पीपीएफ में पैसे डालने चाहिए? इस बात में कोई डाउट नहीं है कि जब आप पीपीएफ में पैसे डालते हैं तो इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत टैक्स भी बचाते हैं। लेकिन पिछले 5 दशकों में काफी कुछ बदला है। टैक्स बचाने वाली कई नई प्रोडक्ट्स बाजार में आए हैं जो पीपीएफ की तुलना में ज्यादा अच्छे हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि किन रीजंस से पीपीएफ की पॉपुलैरिटी कम हो रही है। किसी टैक्स सेविंग प्रोडक्ट के लिए 15 साल का लॉक इन पीरियड काफी अधिक है, खासतौर से तब जब ज्यादातर टैक्स सेविंग प्रोडक्ट्स की लॉक इन अवधि 5 साल है। साथ ही पीपीएफ के रिटर्न में भी लगातार कमी आ रही है, जिससे इस सेविंग प्रोडक्ट की पॉपुलैरिटी कम हो गई है। अगर आप पीपीएफ को रिटायरमेंट प्रोडक्ट के तौर पर देख रहे हैं तो हो सकता है कि ये बुढ़ापे में आपको गरीबी की तरफ ले जाए, क्योंकि पीपीएफ के इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न्स काफी कम है। सही अप्रोच होगी कि आप ऐसे टैक्स सेविंग प्रोडक्ट्स के बारे में सोचें जिनकी रिटर्न मार्केट से जुड़े हो। मार्केट से जुड़े रिटर्न्स की खासियत ये है कि लंबे समय में ये महंगाई को मात देने में सफल रहते हैं। 2 टैक्स सेविंग प्रोडक्ट्स मार्केट लिंक्ड हैं, एक तो नेशनल पेंशन सिस्टम यानी NPS जिसका फोकस रिटायरमेंट पर है, और दूसरा इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम यानी ELSS जो लंबे समय में वेल्थ क्रिएशन में आपकी हेल्प करता है। पीपीएफ की तुलना में NPS की लॉक इन अवधि कुछ ज्यादा ही है, लेकिन 2 मामलों में ये पीपीएफ से बेहतर है। लिक्विडिटी कम होने के कारण आप इमरजेंसी में अपनी रिटायरमेंट सेविंग से बार बार पैसे नहीं निकाल सकते। दूसरा फायदा यह है कि NPS आपको इन्वेस्टमेंट फंड चुनने का ऑप्शन देता है। दूसरी तरफ ELSS की लॉक इन अवधि सिर्फ 3 साल है और ये इक्विटी में मिनिमम 80% इन्वेस्ट करता है। लॉक इन की अवधि कम होने की वजह से इन्वेस्टर्स इसकी ओर आकर्षित हो सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति डिसिप्लिन तरीके से ELSS म्यूचुअल फंड में लंबी अवधि तक निवेश करता रहता है तो अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। 15 साल की अवधि वाले पीपीएफ की तुलना में दूसरे प्रोडक्ट्स की बेहतर रिटर्न देने की कैपेबिलिटी को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि नए टैक्स पेयर्स को पीपीएफ की जगह टैक्स सेविंग के दूसरे ऑप्शंस को पिक करना चाहिए। जिनके पास पहले से ही पीपीएफ अकाउंट है उनके लिए अच्छा रहेगा कि वो हर साल अकाउंट में मिनिमम 500 रुपए जमा करें और ज्यादा राशि ELSS में इन्वेस्ट करें। इसके साथ हम वीडियो के एंड पर आते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि आप कितना टैक्स बचा सकते हैं और आपको कहां कितना इन्वेस्ट करना चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके ईटी मनी ऐप डाउनलोड करें। आपको यहां पर्सनलाइज्ड टैक्स सेविंग प्लान फ्री में मिलता है और आप सारे टैक्स सेविंग ऑप्शन में इंस्टेंटली इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.